Hello children, today I am going to start I am lucky of unit 2nd from English Marigold for class 2nd. This is very interesting story, and before starting it, let's know about the poem. The name of this poem is I am lucky, and this poem is about the feeling of a small girl. The girl thinks if she were a butterfly, manna, fish, elephant, kangaroo, octopus, or she would be very happy and thankful to God for everything she had in her life. वह बच्ची सोचती है कि अगर मैं कोई भी जीव होती, मैना होती, बटरफ्लाई होती, फिश होती, या फिर एलिफेंट होती, ऑक्टोपस होती या कैंगरू होती, तो मैं बहुत खुश होती और मैं गॉड का धन्यवाद करती जो भी उन्होंने मुझे बनाया होता. बट इन द एंड ऑफ द पोयम शी थिंक्स शी इज लकी फॉर व्हाट शी इज. लेकिन एंड में वह कहती है कि मैं बहुत ही लकी हूँ जो कुछ भी गॉड ने मुझे बनाया है. एंड इन द एंड शी ऑल्सो आस्क क्वेश्चन टू द रीडर्स, और वो इस पोयम को पढ़ने वाले रीडर्स से भी ये पूछती है कि क्या आप भी खुश हो, आप भी सेटिस्फाइड हो जो भी आपको भगवान ने बनाया है, या फिर आप भी मेरे जैसा बनना चाहते हो या फिर अपने जैसा ही रहना चाहते हो. सो लेट्स स्टार्ट द पोयम. If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. वह कहती है कि अगर मैं एक butterfly होती तो मैं God का thank you करती कि उन्होंने मुझे पंख दिए. If I were a manna in a tree, I would be thankful that I could sing. और वो कहती है कि अगर मैं एक पेड़ पे बैठी मैना होती तो मैं भगवान का धन्यवाद करती कि मैं गा सकती. इफ आई वर अ फिश इन द सी, वो कहती है अगर मैं समुद्र की एक मछली होती, आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती कि मैं पानी में तैर सकती थी. जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, फिर वो कहती है, सोचती है कि मैं लकी हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ, नॉट यू बट मी, आप लकी नहीं हो लेकिन मैं लकी हूँ. If I were an elephant, फिर वे कहती है कि अगर मैं एक elephant होती, I would be thankful, मैं भगवान का शुक्रिया करती, that I can raise my trunk, कि मैं अपनी trunk ऊपर, सूंड ऊपर उठा सकती. If I were a kangaroo, वो कहती है कि अगर मैं एक kangaroo होती, I would be try to hop right up to the moon, तो मैं अगर मैं कैंगरू होती तो मैं मून तक सीधे छलांग लगाने की कोशिश करती. इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस, वो कहती है कि अगर मैं एक ऑक्टोपस होती, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 arms, तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती कि उन्होंने मुझे 8 arms दी हैं, 8 क्या दी हैं, बाजू दी हैं. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, फिर वो कहती है मैं सोचती हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं लकी हूँ कि मैं जो भी कुछ हूँ, नॉट यू बट मी, तुम जैसी नहीं हूँ, मैं अपने जैसी ही हूँ. व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू बी, फिर वो कहती है कि तुम क्या सोचते हो, यू वांट टू बी, क्या तुम भी मेरे जैसा बनना चाहते हो, डू यू वांट टू बी लाइक मी, और जस्ट यू, या फिर तुम अपने जैसा ही रहना चाहते हो. You will write 6 lines poem in your notebook, and I will tell you how you will write in your notebook. First of all, you will write poem 6 lines, you will write here. After it, you will write difficult words. Butterfly, thankful, manna, fish, wriggle, giggle, glee, kangaroo, octopus, and lucky. After it, you will start word meaning. First one is here, butterfly, an insect
विद ब्राइट कलर्ड विंग्स, एक ऐसा इंसेक्ट जिसकी की जो विंग्स हैं वो बहुत ही ब्राइट और कलर्ड होते हैं, कलरफुल होते हैं। मैना, एन एशियन बर्ड विद अ लाउड वॉइस, एशियन बर्ड है और उसकी आवाज़ बहुत ही तेज होती है। फिश, एन एक्वेटिक एनिमल विद गिल्स एंड फिन्स, एक एक्वेटिक एनिमल मीन्स जो पानी में रहने वाला जीव जिसके क्या होते हैं, गिल्स होते हैं और फिन्स होते हैं। कैंगरू, एन एनिमल विद अ थिक, नॉट टिक, यू विल राइट हियर थिक टेल एंड हिंड लेग्स, एक एनिमल जिसकी थिक टेल होती है और हिंड लेग्स होती हैं। ऑक्टोपस, एन एक्वेटिक एनिमल विद लॉन्ग एट आर्म्स, जिसकी लॉन्ग एट आर्म्स होती हैं और जो पानी में रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि बटरफ्लाई अपने विंग्स उसे पसंद हैं, बटरफ्लाई को? बिकॉज इट्स विंग्स आर वेरी कलरफुल, क्योंकि उसके जो विंग्स होते हैं बहुत ही कलरफुल होते हैं। सेकेंड वन, व्हाट कैन द मैना डू, द मैना कैन सिंग, मैना क्या कर सकती है, गा सकती है। व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो, सिंग पेंट या राइट, यू विल राइट आई कैन सिंग पेंट एंड डांस। नेक्स्ट वन इज, डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वॉटर, क्या आप सोचते हो कि फिश जो है वो सच में बहुत खुश होती थी पानी में? यस, बिकॉज इट कुड रिगल एंड गिगल इन द वॉटर। नाउ योर क्वेश्चन आंसर्स आर कंप्लीटेड एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।